इजिप्ट ने ठुकराया था भारत का गेहूं, आज फैला रहा दुनिया के सामने हाथ, अवाया ना इजिप्ट औकात में, गिरगिरा रहा भारत से मांगने को गेहूं। भारत ने भी अपनाया जैसी करनी वैसी भरने वाला रोल। दोस्तों, छोटे बच्चे चंचल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब उनकी माँ बोलती है बेटा उधर मत जाना, उधर खतरा है, तो वो जानबूझकर उधर जाते हैं या वैसे ही काम करते हैं जो काम करने के लिए माँ मना करती है। ठीक यही गलती इजिप्ट से भी हो गई है और आज इजिप्ट को इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। भारत ने इजिप्ट को समझाने की कोशिश की थी कि हमारे गेहूं में रूबेला वायरस नहीं है, लेकिन यहाँ पर भारत को बदनाम करने के लिए इजिप्ट जैसे बच्चे ने ही वही चंचल पंथी की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी वजह से वो खुद नुकसान में चला गया है और उसी का परिणाम आज वो भुगत भी रहा है। आज पूरी दुनिया के सामने इजिप्ट हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। भारत चाहे तो इजिप्ट को पल भर में गेहूं दे सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत जानबूझकर इजिप्ट को गेहूं नहीं देगा, क्योंकि उसने भारत के गेहूं की पूरी दुनिया के सामने बदनामी की थी और इतनी बड़ी गलती की सजा उसको भारत इसी तरीके से दे सकता है। दोस्तों, इस समय रूस और यूक्रेन की वजह से दुनिया में गेहूं की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इसी का असर तुर्की को भी देखने को मिल रहा है और इस समस्या से तुर्की भी जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत की तरफ से तुर्की को गेहूं दिया गया था, लेकिन तुर्की ने खुद ही इस गेहूं को लेने से मना कर दिया है और आज तुर्की में ये स्थिति आ गई है कि तुर्की अब हर देशों के आगे हाथ फैला रहा है कि कोई भी देश उसको गेहूं दे दे, कोई भी देश उसे गेहूं दे दे, लेकिन कहीं से भी उसको गेहूं नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय दुनिया अपने स्टॉक में गेहूं ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई ये बात नहीं जानता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा, इसलिए सबको अपनी चिंता सता रही है। कोई तुर्की की चिंता नहीं करेगा। और भारत जब तुर्की को गेहूं दे रहा था, तब तो भारत के गेहूं को तुर्की ने रूबेला वायरस का बहाना बनाकर वापस लौटा दिया था। लेकिन आज इस स्थिति में तुर्की क्या है कि उसे अगर रूबेला वायरस वाला गेहूं भी मिल जाए तो वो भी उसे ले ले। तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इजिप्ट ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह तो सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि इजिप्ट ऐसा देश भी नहीं है कि उसे गेहूं की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर इजिप्ट को साल भर में 65% गेहूं दूसरे देशों से ही लेना पड़ता है। इजिप्ट की जमीन ऐसी नहीं है जिस वजह से वहाँ पर इतना ज्यादा गेहूं नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इजिप्ट ने भारत के गेहूं को अपने पोर्ट पर आने से पहले ही लौटा दिया था। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध नहीं हुआ था तो इजिप्ट अपनी जरूरतों का 85% गेहूं रूस और यूक्रेन से ही खरीद लिया करता था। लेकिन इस समय दोनों देशों के हालात क्या हैं, किसी से भी छुपी नहीं है। इसी सब को देखते हुए यहाँ पर इजिप्ट को अब भारत से गेहूं खरीदना पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी इजिप्ट को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो अगर इजिप्ट यही गेहूं रूस या यूक्रेन से खरीदता तो उसका मेंटेनेंस काफी कम रहता और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी काफी कम लगता। लेकिन अगर इजिप्ट भारत से गेहूं खरीदेगा तो यहाँ पर उसको उसी का 3 गुना देना पड़ जाएगा। दोस्तों, जो मुख्य वजह है वो ये है कि यहाँ पर इजिप्ट और भारत के पोर्ट के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है और यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में इस समय गेहूं का रेट एवरेज से भी ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इजिप्ट को गेहूं खरीदने के लिए मिलियन और बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत का गेहूं खरीदने के लिए कई सारे देश लाइन में लगे हुए हैं और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो एडवांस पेमेंट करने को भी तैयार हैं। इस समय इंटरनेशनल मार्केट में भारत के गेहूं की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि कोई भी ये बात नहीं जानता है कि आगे कितने दिनों तक रूस और यूक्रेन आपस में उलझे रहेंगे। ऐसे में लोगों को खाने पीने की जरूरत पड़ेगी और वो लोग रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर सकते। ऐसे में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक देश बचता है और वो है भारत। भारत इस समय अपने गेहूं पर किसी भी देश को डिस्काउंट देने के मूड में नहीं है। अगर यहाँ पर भारत से इजिप्ट गेहूं नहीं खरीदेगा तो हम किसी और देश को भी गेहूं बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इजिप्ट के पास लिमिटेड ऑप्शन है और ये बात इजिप्ट अच्छे से समझ चुका है और इसी वजह से यहाँ पर इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन की मदद मांगी है, जिसके बाद वो भारत से गेहूं खरीद सके। इसके अलावा ये पूरी उम्मीद है यहाँ पर इजिप्ट को वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन का लोन दे देगा। इस समय इजिप्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इजिप्ट चाहता है भारत उसको एडवांस पैसा लिए बिना गेहूं दे दे, लेकिन यहाँ पर भारत ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि इजिप्ट के द्वारा भारत के लिए अच्छा काम नहीं किया गया है। आपको याद होगा, इजिप्ट ने जो भारत के गेहूं को बिना अपने पोर्ट पर लाए लौटा दिया था, और दूसरी तरफ अभी का जो मुख्य मुद्दा चल रहा है इस पर भी इजिप्ट ने भारत का काफी विरोध किया है। अगर इजिप्ट ये दोनों चीज नहीं करता तो यहाँ पर भारत सोच भी सकता था इजिप्ट को गेहूं देने की बात, लेकिन यहाँ पर भारत बिना एडवांस पेमेंट के इजिप्ट को गेहूं नहीं देगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के लोगों ने ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की वजह से ही पाकिस्तान में आतंकवाद देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि जब से ही पाकिस्तान एक अलग देश बना है,
तब से ही हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान में एक ही चीज का विकास लगातार होता जा रहा है और वो है आतंकवाद का। पाकिस्तान में आतंकवाद इतनी तेजी से विकास करता है जितनी तेजी से पाकिस्तान खुद भी विकास नहीं किया है, और पाकिस्तान आतंकवाद को विकास कराते कराते आज यही स्थिति में आ गया है कि उसका बर्बाद होना अब और तब में लगा हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को बढ़ावा देता आया है और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए हथियार मुहैया कराने तक की मदद करता है, लेकिन इस बार अपने ही देश में हो रहे आतंकी हमलों पर पाकिस्तान में राजनीतिक दल और सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपने घर में घिर गए हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमला बोलते हुए कहा, देश में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर इमरान खान जिम्मेदार है। गौरतलब है कि इमरान खान कुछ ही दिन पहले सत्ता को बेदखल किए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग में हारने के बाद इमरान खान को कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सत्ता में आने के बाद पाक के नए पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आतंकवाद के मसले पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाक पीएम के इस बयान के बाद हलचल से मच गई है। इमरान खान अपने ही देश में आतंकवाद को लेकर घिर चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पूर्व पीएम पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान में हो रही आतंकवादी घटनाओं के लिए पूर्ण रूप से इमरान सरकार जिम्मेदार है। शरीफ ने आरोप लगाया, नेशनल एक्शन प्लान जो आतंकवाद के खिलाफ एक अहम किरदार निभा सकती है उसे पीएम रहते इमरान खान की सरकार लागू करने में असफल रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं रुक नहीं रही है जिसमें आम लोग मारे जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान को हमारी सरकार लागू करने का काम करेगी जो पिछली सरकार ने नहीं किया। पाकिस्तान में हो रही घटनाओं पर स्टडी करने वाली संस्था यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल साल 2021 में कुल 294 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 388 लोग मारे गए हैं और 606 लोग घायल भी हुए हैं। आतंकी हमलों की बात करें तो सीमापुरवर्ती इलाकों के अलावा बड़े शहर कराची और लाहौर में हमले हो चुके हैं। इतनी सारी आतंकी घटनाएं बताती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें कितनी मजबूत है। वैसे भारत हमेशा पाकिस्तान पर आतंकवाद के मुद्दों को लेकर हमलावर रहा है और आरोप लगाता रहा है कि इस देश में आतंकियों को पनाह दी जाती है। तब तत्कालीन पीएम इमरान खान हमेशा बचाव में उतरते रहे हैं, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकी घटनाओं के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।